व्हाट इज अप गाइस, के हालचाल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं एक स्टोन फार्म। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ का पूरा एरिया मैंने साफ कर दिया है एकदम बढ़िया करके। बीकन लगाना पड़ा मुझे इसके लिए, बहुत टाइम लगा यार, पूरा पहाड़ था, काट डाला उसको बीच से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना बीकन स्टोन फार्म बनाना। उसका सारा सामान ये रहा इन दोनों चलकस में, हमें लगेगी पूरी 18 लावा बकेट और ये सारा सामान। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सॉर्ट करते हैं और इन चीज़ों को अपनी इन्वेंट्री में निकालते हैं। पहले इन्वेंट्री खाली करेंगे। सारा का सारा फालतू सामान मैं इस शल्कर में रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जो मुझे नहीं लगेगा। सिल्क टच वाली पिकेक्स भी मैंने अंडर डाल दी है, सब कुछ ही डाल दिया लगभग। पर चलो अब इस वाले शल्कर से अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान निकालते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट सामान निकाल लिया है, अब यही लगेगा मुझे स्टार्टिंग में। लावा बकेट थोड़ी देर में लगेगी तो उसे बाद में निकालेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। और सामान भी रख दिया मैंने और बस यही चाहिए मुझे बस फिलहाल के लिए। थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, ये रॉकेट्स भी रख दिए, अब इन्हें तोड़ लेते हैं। अपने पास रख लेता हूँ दोनों को फिलहाल। चेस्ट प्लेट इसी में रहने देते हैं, लाइटर ही सही है। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से नीचे से? यार अब ये तो बड़ी सोचने की बात होगी कहाँ से स्टार्ट करूँ बनाना। बनाऊंगा तो थोड़ा सेंटर में, तो चलो काउंट करते हैं यहाँ से ऊपर तक। मेरे हिसाब से 6 ब्लॉक या 9 ब्लॉक, थोड़े ब्लॉक्स, 9 की ब्लॉक छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से बिग करना है। ये हो गया हमारा सारा का सारा कंप्लीट। 6 ब्लॉक्स हटाने हमें और उसके बाद हम ऐसे यहाँ पे एक पिट टाइप बनाएंगे। ये हमारा 6x3 का वो है, एक रेक्टेंगल बोल सकते हो। तो चलो अब हमें यहाँ से बिल्कुल इस जगह पे आना है, यहाँ से आगे 1 ब्लॉक छोड़ के ब्लॉक हटाने हैं। तो चलो देखो मैं बताता हूँ किस तरह से इस ब्लॉक को हटाना है। हाँ इसे भी शायद नहीं, ज़्यादा कर दिया, नहीं सही है, इस ब्लॉक को भी हटाना पड़ेगा। ये जो डर्ट ग्रास ब्लॉक है एक, इसे भी हटा दिया और एक और। हाँ कुछ इस तरह से करना है, इस टाइप की शेप बनेगी पूरी, बस हमें ये शेप चाहिए। दूसरी साइड भी हम सेम करेंगे। तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा करेंगे। ऐसे ही 3 ब्लॉक्स दिखेंगे हमें। अब इस साइड से भी ऐसे करना है यहाँ से। चलो ये हटा दिया, इसे भी हटा दो। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम स्लैब लगाएंगे, पर फिलहाल अभी देख लेते हैं शेप सही तो है ना। हाँ बिल्कुल सही लग रही है। ये नीचे से स्टोन हटा देता हूँ, बेकार लगेगा बाद में। चलो हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे काउंट कर लेना चाहिए इन्हें, 3 3। हाँ सही है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्लैब्स। चलो स्लैब्स निकालते हैं अब इन्वेंट्री से और जल्दी जल्दी स्लैब्स प्लेस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, पर हाँ बहुत अच्छा फार्म है और बहुत फास्ट वर्क करता है। चलो अब जल्दी जल्दी स्लैब लगाते हैं। हमें सभी कोनों में लगाना है, मतलब इन कॉर्नर्स में। देखो इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, यहाँ पर और यहाँ पर। चलो 4 स्लैब लगेंगे हमारे ऐसे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीव्स लगाना और वाटर, नहीं इसके बाद हम प्लेस करेंगे वाटर। पहले वाटर प्लेस करेंगे, उसके लिए हम इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाना होगा। तो चलो आप लोग एक टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं इसे जल्दी से बना के मिलता हूँ। चलो गाइस पूरे का पूरा फार्म बन के तैयार है। अब हम ये देख लो आप लोग कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर ये रही इसकी पूरी लुक, इस टाइप से बनेगा ये पूरा, बनने के बाद दिखेगा। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये रहा हमारा पूरा कलेक्टिंग सिस्टम जहाँ पे सारा स्टोन कलेक्ट होगा। और इसे स्टार्ट करने के लिए हमें ये लीवर प्रेस करना है और उसके बाद ये बटन प्रेस करना है। और अब ये स्टार्ट हो गया।
बस इसके स्टार्ट होते ही यहाँ से ऊपर से TNT गिरेंगे और नीचे ऑब्सीडियन जो लीव है, ऑब्सीडियन यहाँ जो नीचे लीव है उस पर जाके गिरेंगे और फिर ये सारे के सारे स्टोन ब्लास्ट होंगे। और जैसे ही स्टोन TNT नीचे गिरा, सारा सारा स्टोन नीचे वाटर के फ्लो के साथ जाएगा और टेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। चलो अभी से थोड़ी देर ऑन रखते हैं और फिर देखते हैं कितना स्टोन कलेक्ट होता है। यहाँ से ऊपर लैडर लगाइए ताकि हम ऊपर आ सकें। भाई डैमेज हो रहा है यार यहाँ पे थोड़ा, हाँ थोड़ा डैमेज तो होता ही रहेगा। चलो पीछे हट जाता हूँ मैं नीचे। अभी यहाँ पर भी डैमेज हो रहा है भाई, काफ़ी दूर तक पड़ता है इसका इम्पैक्ट। अब देखते कितना स्टोन आ गया इसमें। तो अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे इसे ऑन किए, 1 मिनट हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी स्टोन आ गया, अरे एक स्टैक, दो स्टैक, तीन स्टैक स्टोन है 1 मिनट में। अब तो और भी बढ़ गया यार, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, काफ़ी जल्दी काम करता है। तो चलो इसे बंद कर देते हैं और इसके आसपास एक बढ़िया सा बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड होगा तो थोड़ा सेम ही, क्योंकि मैं अपने फार्म्स के बिल्ड को सेम ही रखता हूँ, पर इस बार हम स्टोन की जगह वुड का यूज़ करेंगे। हम सिर्फ वुड से बनाएंगे इसे पूरा, और इसकी बस छत में हम डीप स्लेट लगाएंगे, बाकी सभी जगह पे हम वुड से बनाएंगे। तो चलो पहले पिलर्स बना लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे। इसे भी 6 ब्लॉक्स के हाइट तक लेके जाना है, 4, 5, 6, चलो कंप्लीट। अब इसे, ये लास्ट है, इसे भी ऊपर लेके जाते हैं। बस चारों के चारों विलेज बना लिए। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा एक टाइम लैप्स के बाद। इस थोड़ी ही देर में हमने पूरा का पूरा बिल्ड कंप्लीट कर लिया है। आपने इस छोटे से टाइम लैप्स में देखा, थोड़ी देर में हो गया, 1 मिनट का टाइम लैप्स था, पर भाई इसे बनाने में जितनी हालत टाइट होती है ना, क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, पूरा का पूरा बन गया बिल्ड और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अंदर मैंने स्टेयर्स लगा दिए छत पर भी, ताकि थोड़ा टेक्स्चर जैसा आ जाए कि हाँ कि वुड से इसे सपोर्ट मिल रहा है। पर अब ये रहा इसका फाइनल लुक अंदर से। एक और बार हम देखते हैं फार्म को स्टार्ट करके, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है, क्योंकि आसपास के ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए ना, तो इसीलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ डैमेज, इसका मतलब कुछ डैमेज नहीं होगा, ये फार्म एकदम बढ़िया से वर्क करेगा विदाउट एनी डैमेज। अब मेरे बिल्ड को भी कोई डैमेज नहीं होगा इससे, और फार्म भी अच्छे से वर्क करेगा। बाद में हम इसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, अंदर से और भी अच्छा बना सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा और यहाँ पे स्टोन देखते हैं कितना स्टोन आ गया है। उत्तरी यार पूरी चेस्ट फुल हो गई है, 5 मिनट के लिए ऑन रख गया था मैं इसे, थोड़े सिर्फ इतनी देर में इतना सारा स्टोन आ गया, एक चेस्ट पूरी फुल है। भाई ख़तरनाक बिल्ड बनाई है, बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें मैंने फ्लावरिंग एजेलिया लीव का यूज़ किया है और ओक लीव्स का डेकोरेट करने के लिए, बाकी सब तो सेम ही है। थोड़ा इसकी रूफ थोड़ी डिफरेंट लग सकती है, हाँ बाकी सब सेम है बिल्कुल। ये देखो क्या बढ़िया टेक्सचर आया पूरे बिल्डिंग में। तो ठीक है गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।